आज हम प्रोसेस और थ्रेड्स में डिफरेंस समझेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है। प्रोसेस जो है वो हैवी वेट्स होते हैं, जबकि थ्रेड जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, क्योंकि थ्रेड्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, जबकि हमारे प्रोसेस के अंदर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो थ्रेड्स होते हैं वो इन्हीं प्रोसेस के पार्ट होते हैं, यानी कि जब हम प्रोसेस को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो जो यूनिट होती हैं, वो जो कंपोनेंट होते हैं, वो थ्रेड्स कहलाते हैं। तो प्रोसेस जो है वो हैवी वेट इसी वजह से होते हैं कि वो अपने आप में एक प्रोग्राम होता है, जबकि थ्रेड जो है वो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनमें वो थ्रेड्स होते हैं। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और सिमिलर थ्रेड जो है उनको कंबाइन करके कंबाइन होते हैं, तो एक प्रोसेस कहलाते हैं। थ्रेड जो है मेमोरी के अंदर जो लोकेशन कंज्यूम करते हैं वो एक ही लोकेशन, उनका एक ही एड्रेस होता है। अगर एक प्रोसेस के जितनी भी थ्रेड्स होंगे वो मेमोरी के अंदर जो लोकेशन कंज्यूम करेंगे, जो उनका एड्रेस होगा वो सेम होगा, जबकि जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनके एड्रेस भी डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो प्रोसेस हैं, P1 और P2। P1 एक मेमोरी लोकेशन कंज्यूम करेगा, जबकि P2 दूसरी मेमोरी लोकेशन कंज्यूम करेगा। जबकि जो थ्रेड्स हैं, अब लेट्स सपोज मेरे P1 के अंदर 5 थ्रेड्स हैं, तो उन 5 के 5 थ्रेड्स का जो एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, वो सेम होगा, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के अंदर है वो सारे थ्रेड्स। इसके अलावा जो प्रोसेस होते हैं वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को असिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि जो थ्रेड्स होते हैं वो डिजाइन इसलिए किए जाते हैं कि वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकें। ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। असल में थ्रेड जो है वो सबसेट है प्रोसेस का, प्रोसेस के ही पार्ट्स को थ्रेड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ स्विच करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग, यानी मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल टास्क जो है वो सीपीयू उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करता है, यानी एक टास्क से दूसरे टास्क, दूसरे से नेक्स्ट टास्क, फिर उससे नेक्स्ट टास्क, इस तरह वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, वो स्विच करता है, मूव ऑन होता है नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो मल्टीटास्किंग के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट टास्क जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू जो है उनको डिफरेंट टास्क को सीपीयू असाइन करता है। जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर मल्टीपल जो थ्रेड्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, जो किसी प्रोग्राम के जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं इन्हें थ्रेड्स कहते हैं, वो मल्टी थ्रेड्स जो होते हैं वो उनको सीपीयू उनमें स्विचिंग करता है, यानी कि उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। मल्टीटास्किंग के अंदर मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है। मल्टीटास्किंग रिलेटिवली इजियर है देन मल्टी थ्रेडिंग, यानी मल्टी टास्किंग के अंदर जो कोड यूज होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जबकि मल्टी थ्रेडिंग के लिए जो कोड यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। थर्ड इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि मल्टी टास्किंग के अंदर जो डिफरेंट जो टास्क होते हैं उनके हर प्रोसेस का डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होता है। जितने भी टास्क हैं या प्रोसेस हैं उनको
डिफरेंट मेमोरी लोकेशन असाइन की जाती है या एलोकेट की जाती है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो शेयर करते हैं सेम मेमोरी एंड डाटा को। एक प्रोसेस के अगर फाइव, मेरे पास P1 है एक प्रोसेस, उसके फाइव थ्रेड्स हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं वो उनकी मेमोरी का जो लोकेशन होगा फाइव के फाइव थ्रेड्स का वो सेम होगा, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के अंदर आ रही है, एक ही प्रोसेस के हैं, तो उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम होगा। इसके अलावा जो डाटा है वो भी शेयर किया जा सकता है। लेट्स सपोज जो डाटा है किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी शेयर किया जा सकता है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है इसमें मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली, जबकि मल्टीटास्किंग के अंदर, मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो सीपीयू है वो मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं या मल्टीपल जो टास्क हैं उनको सीपीयू असाइन किया जाता है, सीपीयू मल्टीपल टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। लेट्स सपोज मेरे पास फाइव प्रोसेसेस हैं, फाइव टास्क हैं। अब सीपीयू वन बाय वन पहले कुछ टाइम ऑफ स्लाइस एक प्रोसेस को देगा, फिर कुछ टाइम ऑफ स्लाइस दूसरे प्रोसेस को देगा, फिर थर्ड प्रोसेस को देगा। जो टाइम ऑफ स्लाइस, लेट्स सपोज टू यूनिट ऑफ टाइम है, ये टू सेकंड्स हैं, तो टू सेकंड्स P1 को देगा, टू यूनिट P2 को देगा, टू यूनिट P3 को देगा, टू यूनिट जो है वो P4 को देगा और टू यूनिट प्रोसेस 4 को देगा। फिर उसके बाद P1 की तरफ मूव होगा, फिर P2 एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहता है। इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन है, जो मेरा P1 से जब P5 तक ये नहीं होगा कि जब तक अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स लोडेड होते हैं कंप्यूटर की रैम के अंदर, और वन बाय वन जो है वो सीपीयू एक एक प्रोग्राम को असाइन किया, सीपीयू असाइन किया जाता है। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम सीपीयू के पास आया, जो प्रोसेस बन गया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जब सीपीयू फ्री होता है तो फिर दूसरे प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा प्रोग्राम सीपीयू को असाइन करता है, तो दूसरा प्रोसेस बन जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट करता है, फिर थर्ड की तरफ आता है और इस तरह जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको वन बाय वन प्रोसेस करता है। तो मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं वो लोडेड होते हैं कंप्यूटर के रैम के अंदर और सीपीयू वन बाय वन सब प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम को उस वक्त तक वेट करना पड़ता है जब तक पहला जो प्रोग्राम है, पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। या दूसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मेरा कोई प्रोसेस है जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और उस प्रोसेस को जरूरत पड़ जाती है किसी आईओ डिवाइस की या किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा और जो रनिंग स्टेट में मेरा प्रोसेस था उसको आईओ डिवाइस या किसी भी रिसोर्स की जरूरत है वो उसको जो भी जरूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में वन बाय वन जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ सीपीयू जो है वो उसको सीपीयू को नेक्स्ट प्रोग्राम असाइन किया जाता है, जबकि मल्टीटास्किंग इज अचीव बाय द टाइम शेयरिंग। तो मल्टीटास्किंग को अचीव किया जाता है टाइम शेयरिंग के जरिए, यानी कि टाइम अब स्लाइस जितनी भी प्रोसेस हैं उनको दिया जाता है,
टाइम ऑफ स्लाइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे प्रोसेसेस में और उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है। या इसमें आप यूजर भी कह सकते हैं कि मल्टीपल यूजर हैं और हर यूजर को टाइम ऑफ स्लाइस दिया जाए और उस टाइम ऑफ स्लाइस के बाद दूसरे यूजर को टाइम ऑफ स्लाइस दिया जाए। इतनी तेजी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि हर यूजर यही समझता है कि शायद वो सीपीयू उसी को टाइम दे रहा है, उसी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वो जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी टास्क होते हैं, उन सबको सीपीयू असाइन किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट मल्टीटास्किंग एंड मल्टीप्रोग्रामिंग।